welcome to Ayanaswara. Hi, hi. So, you know, there's so much going on about your recent series, Raspberry. I would like to know, you know, what were the factors that brought you in for the show? Well, I think that many jab mujhe na, it was very funny. Tanveer, jo creator aur producer hain, hum dono ek bahut hi boring function mein baithe hue the. जब उसने ऑफर किया मुझे ये और ऐसे बात कर रहे थे और मैंने उसे पूछा कि क्या टाइटल क्या है इसका प्लॉट तो इंटरेस्टिंग लग रहा है बट व्हाट्स द टाइटल एंड ही वाज लाइक रस भरी एंड आई वाज लाइक दैट साउंड्स लाइक अ ब्लू फिल्म एंड देन ही वाज लाइक नो नो रीड दिस होल स्क्रिप्ट फॉर सो आई सेड या सेंड इट टू मी एंड सो ही सेंट इट टू मी एंड आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई रियलाइज्ड कि यार इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज व्हाट आई लाइक थ्री थिंग्स आई लाइक द मोस्ट अबाउट इट वन वाज द थीम्स इट वाज डीलिंग विद वन adolescent sexuality जो किशोर अवस्था की जो उलझने होती है और जिज्ञासा होती है उसका हमने इंडियन कंटेंट ज्यादा नहीं देखा है then the second thing the kind of and the whole issue of female sexuality and how society का actually एक बहुत ही दोगला approach है female sexuality को लेकर कि वो उसको possess भी करना चाहता है लेकिन उससे वो डरता भी है और उसको vilify भी करना चाहता है जो चीज मुझे actually जो सारी trolling हो रही है हमारी उसमें साफ नजर आ रही है और दूसरी मतलब that was the first thing. The second thing I really liked was that I really liked the way in which the small town was depicted without it was not a condescending view. Like normally हम देखते हैं कि एक बहुत ही condescending सा view होता है small town के depiction में. मुझे इसमें बहुत अपनापन लगा. वो मुझे अच्छा लगा कि you know हम satire भी बना रहे हैं लेकिन हैं हम भी वहीं के ही हैं. ऐसी अपनापन वाली feeling आई. And the third thing of course was the characterization of Raspberry and Shanu. So the opportunity to kind of almost basically I didn't realize but it was a double role, you know, which I didn't realize earlier. But that, that you know, the playing two such distinctive personalities and people in one same story was very interesting for me. So these were the reasons why I was interested in doing Raspberry and why I agreed. So, you know, I want to know because what mixed response are there? We are getting to know mixed response. Some people are appreciating, some are saying ki, you know, it shows in a negative light. But I want to know, were you prepared while you were making? Did you like know that this would come on? So, honestly, I'll tell you two things. That the mixed response is actually the people who are not liking it are the people who have not watched the whole show. One, or who have just seen the trailer and they're like, oh, gee, kya dikha diya, oh. यू नो टीचर के साथ ऐसे कैसे हो सकता है इस टाइप का जो रिस्पॉन्स होता है जो कि शो देख के नहीं हो रहा है जो जो लोग शो पूरा देख रहे हैं दे आर लाइकिंग इट सो एंड बिकॉज एक्चुअली देयर इज नथिंग देयर इज रियली नथिंग एज सच टू डिसलाइक इन द शो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इट्स वेरी स्वीटली टोल्ड एक्चुअली एंड आई थिंक कि जितना ज्यादा हाइप है उसके कंपेरिजन में एक्चुअली कुछ शो में है नहीं ऐसा उत्तेजक एंड और बाकी मेरे ट्रोल्स के तो क्या कहने वो तो मैं मतलब मैं सांस ले लूं तो उस पे भी वो क्रिटिसिज्म हो जाएगा तो उनका तो कुछ नहीं है सो आई मीन आई थिंक दैट द आई ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड कि ये जो एक जो हौजी हौजी मेंटालिटी है ना कि हौजी ये क्या दिखा दिया वो तो मुझे लगा था कि हाँ वो थोड़ा बहुत तो होगा ही वो मतलब यू नो इन इंडिया वे आर स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द होल इशू ऑफ सेक्सुअलिटी एंड वी आर ऑलवेज यू नो सॉर्ट ऑफ वेरी ट्राइंग टू मतलब करना सब कुछ है लेकिन उसके बारे में बात नहीं करनी है बेसिकली दैट्स आवर अप्रोच राइट बट आई थिंक दैट व्हाट वाज द नाइसेस्ट थिंग फॉर मी इज दैट जितना जितने जिन्होंने भी क्रिटिसाइज किया उतने ही लोग सपोर्ट में भी खड़े हैं जैसे कि एक पूरा एक कंट्रोवर्सी जो हुई फेक आईएमडीबी रेटिंग्स की जो कि रेटिंग्स गिरा रहे थे उसके बारे में यूजर्स ने खुद ही बोला कि यार हमने तो 9 दिया हमने तो 10 दिया ही कैसे रेटिंग गिर गई सो पता चल गया क्योंकि ये फेक रेटिंग है देन अनुभव सिन्हा सर आल्सो टॉक्ड अबाउट इट आई थिंक सुधीर मिश्रा जी आल्सो टॉक्ड अबाउट इट सो आई थिंक दैट द गुड थिंग इज दैट ऑल द फेक स्टफ दैट वाज हैपनिंग इज गेटिंग कॉट आउट सो इट्स वेरी अपेरेंट दैट द शो इज बीइंग लाइक्ड बाय पीपल हु आर वाचिंग इट और जो लोग गालियां दे रहे हैं उनके कुछ अलग ही एजेंडे हैं मतलब वो मुझे पसंद नहीं करते या जो भी है So I'm actually very happy and I think that the numbers are doing really well. They're very encouraging numbers. So that's a very good thing for us. But also, you know, it shows that how people are uncomfortable to talk about female sexuality, which is very, very common. Absolutely. I think two things are in this. One is that when female sexuality is talked about, then our audience just wants to consume it in a special way. One is either in the item number, जहाँ वो सेक्सुअलिटी मर्द को रिझा रही है तो
तो आपको दिक्कत नहीं होती उससे. दूसरा अगर रेप हो रहा है या उसके ऊपर हिंसा हो रही है, फीमेल सेक्सुअलिटी का हनन हो रहा है, उसका रेप हो रहा है, उसका असॉल्ट हो रहा है या उसको इरेज किया जा रहा है, वो हम देख लेते हैं. मतलब इतने सारे बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से फिल्माए गए रेप सीन्स हैं जो एक्चुअली फेटिशाइज करते हैं रेप को, ऑलमोस्ट प्लेजरेबल तरीके से दिखाते हैं, उससे हमें दिक्कत नहीं है. दिक्कत हमें कब होती है, जब फीमेल सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है अपने लिए, जब जब हम एक आउट ऑफ कंट्रोल महिला सेक्सुअलिटी, यू नो, एक प्रतीक सेक्सुअलिटी की प्रतीक दिखाते हैं, जैसे कि रसभरी है जो कि किसी मर्द के काबू में नहीं आ रही है. वो सेक्सुअलिटी ऐसी है जो थोड़ी बेबाक है, वो बेहिचक है, वो अपने मर्जी पे चल रही है. That scares us and that we are not comfortable with. That is one thing. Second thing which I find very actually, जो एक audience का अपना एक interesting, हमारा पूरे समाज के तौर पे एक दोगलापन almost आप बोल लीजिए, कि यही content अगर English में होगा तो हम उसको consume करके ओ वाह ओ वाह, या Hollywood ने अगर ये बनाया होगा तो हमें लगेगा कि अरे वाह ये वो. अभी India में बनाया है तो फिर लग रहा है कि अरे oh my god, you know, this same series went for a OTT shows का festival, short content का festival, series, limited series का festival in France. I think last year. And usko standing ovation mila. Because over there nobody is, they're not uncomfortable with the topic. So they are able to appreciate the story for what it is. Yeah. And not get fussed in this false morality. So I think that I find very interesting. Also, sir, you're very strong when it comes to your opinions about what you want to do and how do you want to lead your life. But tell me, how does that all these things influence when you're picking a role? I mean, I think that now I'm very clear that when I do a role, I should मेरी कुछ conviction भी होनी चाहिए उसमें. मतलब मैं सिर्फ करने के लिए नहीं कर रही हूँ. तो खैर वो मैंने कभी करने के लिए नहीं किया, लेकिन एक दो project अगर कर भी लेना ऐसे कि वो पैसे कमा लेंगे ये वो. But ab main, I don't even do that anymore because now I'm very conscious of the fact that actually there is no escaping the fact that people associate me with a certain opinion, with a voice. So jahan pe kuch hai bhi nahi, wahan pe bhi logon ko kuch mudda chahiye. Kyunki actually agar dekha jaye Rasbhari ko ek bahut hi light tarike se bhi liya ja sakta tha, ek fun entertaining show jisme ek halka sa message acha sa hai respect ke bare mein, right, aur honesty ke bare mein aur consent ke bare mein. Par अब चूंकि मैं हूं उसमें तो अब इसमें लोग फेमिनिज्म भी ढूंढ रहे हैं कि हाँ कोई फेमिनिस्ट एंगल जरूर होगा, कोई इसमें संदेश होना चाहिए, कोई मुद्दा होना चाहिए. तो ये एक्चुअली मैं खुद इस शो के साथ ये रियलाइज कर रही हूँ कि अच्छा अब इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि लोग अब ऐसे ले रहे हैं. Yeah, but do you think that you will, you know, try to pick projects based on that now? I mean, I have to kind of balance. Yeah, I mean, I have to. It's now in my mind for sure. Ab dekhte hain next kaise projects aate hain ya kya main karti hoon. But yeah, thoda sa ye ab ek pressure ho gaya ye. And also, like you just said, ki trolls bhi the, and you have, like, it seems that you have accepted ki yeah, trolls are part of your life and it will happen. But also, is it easy or is it so easy to, you know, just accept them? No, I mean, it's obviously not easy and it's not nice कि रोज गाली खाना पाथू में लोगों की. But चूंकि मुझे पता है कि वो आयोजित है, वो प्रायोजित है, it's organized, it's agenda driven, IT cells हैं उसके पीछे. So I know that it's not, you know, they are just probably some people getting paid to do this, you know. For all you know, some of them are fake accounts, some of them are bots. तो अब मैं उसको उस तरीके से deal कर पाती हूँ, you know, एक rational level पे मुझे ये समझ में आ गया है. क्योंकि आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मुझे मिला है लाइफ में और कोई गंदी बात बोली हो. लाइक इवन मेरे जो ट्रोल्स, मैं दो बार ट्रोल्स से मिली हूँ और उन्होंने सेल्फी मांगी है और फिर बोला है कि हम आपको ट्रोल करते हैं. लेकिन अब नहीं करेंगे, अभी रियल लाइफ में मिली है ना. And like, you know, sir, you are an inspiration for a lot of people because you are someone who made your way on your own terms. But today we are talking about how it's a disbalance, power ka disbalance in industry. Tell me, how is it difficult for an outsider to, you know, find a way? And do you think nepotism is a one-side debate in after all? Because it's not nothing Bollywood mein hota, it happens everywhere. I think that sabse pehle to nepotism of course wo hai Bollywood mein, there's no denying. And I think ki khud bhi Karan aur ye log deny to nahi kar payenge ki nahi nepotism nahi hai karke. Of course nepotism hai, but I think that ki jaisa ki aap keh rahe ho ki wo har industry mein hota hai.
ये nepotism is basically a certain kind of a privilege, it's a certain kind of a power structure. And I think in our industry, mein, it's not just nepotism. And you know, mera ek video viral ho gaya Karan ko sawal poochte hue 2016 mein. Actually, it's not nepotism, it's feudalism. You know, it seems feudal ki bahar wale ke liye koi chances hi nahi hai aap logon ke saath kaam karne ke liye. And I think ki wo cheez samajhne ke liye hame industry ke structure ko samajhna chahiye. Ye industry ek relationship based industry hai aur aisa iske bhi karan hai. Iska karan ye hai ki 2000 tak is industry mein film banane ke liye bank ka loan nahi milta tha. Industry status hi nahi tha aapka. So you were picking up apna ghar girvi rakhke, you were mortgaging your house, ghar girvi rakhke, ज्वेलरी अपनी बीवी की रख के आप पैसा उठा के फिल्में उठा रहे हैं, पर्सनल फाइनेंस से फिल्में बना रहे हैं. तो अब ये स्ट्रक्चर जब होगा तो ऑब्वियसली फिर वो सारा फैमिली पर्सनल, यू नो, इट बिकम्स लाइक यू वांट टू कीप ऑल द, यू वांट टू बेसिकली सिक्योर योरसेल्फ फ्रॉम एनी रिस्क, राइट? तो आपको लगता है कि यार अब आपने इतना सारा मेहनत किया, खुद भी घर भी रख दिया गिरवी, तो अपने बच्चे को ही दोगे फिर आप वो काम और रोल, राइट? एंड दूसरा मुझे लगता है कि इसमें ऑडियंस का भी रोल है यार. The thing is कि हम star system करते रहते हैं, लेकिन stars को बनाता कौन है? Audience ही तो बना रही है, media ही तो बना रही है. तो जैसा कि मैं बार बार ये हर interview में बोल रही हूँ कि आप outsiders जो हैं उनकी फिल्मों के box office collections देखिए. इरफान सर की कारवां, राजकुमार की ट्रैप्ड, नवाज की मोतीचूर का लड्डू, ऋचा चड्ढा की 375, राधिका आप्टे की कोई उठा लो फिल्म सोलो वाली, मेरी अनारकली देख लो, सुशांत की सोन चिड़िया देख लो, उसका बॉक्स ऑफिस देखो, और आप धड़क का बॉक्स ऑफिस देखो, हीरोपंती का बॉक्स ऑफिस देखो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बॉक्स ऑफिस देखो, दोनों के, इवन द सेकंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर दैट वाज ऑस्टेंसिबली अ फ्लॉप, उसका भी बॉक्स ऑफिस देखो. कौन देख रहा है स्टार चिल्ड्रन के लॉन्चेस? कौन देखना चाहता है उन्हें? ऑडियंस देखना चाह रही है. आपको इतनी हमदर्दी आउटसाइडर्स से, हमसे, तो हमारी फिल्में देखो थिएटर्स में, हमें बनाओ बड़ा स्टार. Simple as that. And जिस जब आपने outsiders की फिल्में देखी, उन्हें बनाया स्टार, तो आयुष्मान खुराना निकले, सांसी राजपूत निकले, और कंगना रनावत निकली. So I think that the debate has to be little more complex than जो अभी हो रहा है. तू में चल रही है ना, तूने ऐसे किया, तूने वैसे किया, तूने ये किया, तूने वो किया, ये helpful नहीं है हमें. ये एक मुश्किल इशू है, इस पर हमें कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, लेकिन इसमें बेहतर होगा अगर हम सब मिलकर कॉन्वर्सेशन करें और सारे स्टेक होल्डर्स एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए. फॉर एग्जांपल ऑडियंस. ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू. एंड सर, यू आर इन दिल्ली एंड आई नो दैट यू हैव स्टार्टेड डबिंग, सो टेल मी हाउ इज वर्क गोइंग ऑन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड फॉर यू? यार, आई हेट दिस लॉकडाउन, आई कांट वेट कि मैं सेट पे कब वापस जाऊंगी शूट शुरू करने. पर बेसिकली हाँ, ऑब्वियसली अब इतने दिन का लॉकडाउन चल रहा है और अब शायद और लंबा चल सकता है, बिकॉज हमें पता ही नहीं कि कोरोना कैसे चलेगा. तो बेसिकली मुझे दो शोज की डबिंग करनी थी. तो एक तो फ्लैश, जो मेरा अगला रिलीज है, और एक और शो जो आई थिंक एंड ऑफ द ईयर तक आएगा ऑन अ प्रीमियर प्लेटफॉर्म. सो आई फाउंड डबिंग स्टूडियो इन दिल्ली एंड आई बेसिकली स्टार्टेड डबिंग फॉर दैट. एंड इट वाज इंटरेस्टिंग. ग्लव्स पहन के, स्प्रे लेके, पहले सब कुछ सैनिटाइज करके, अपना खुद का हेडफोन खरीद के वो लेके गई मैं. सो मास्क वास्क पहन के फिर अंदर जाके ऑब्वियसली उतारना पड़ा. But it was nice. It felt really great. Like I'm back at work. That felt really nice. And so yeah, I'm very grateful that was I was able to do that. And now I just can't wait to get back on set. Thank you. Thanks a lot for talking, Sagar. Thank you. Thank you, Sugandha. Bye.